तो हम लोग मटेरियल बना धनबाद जिला में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी, तो उसको देखते हुए एक स्पेशल टीम का मैंने गठन किया था। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश कुमार के नेतृत्व में विभिन्न थाना प्रभारी, जिसमें थाना प्रभारी धनबाद, थाना प्रभारी बैंक मोड, थाना प्रभारी पुटकी, ओपी प्रभारी भूली इत्यादि लोग शामिल थे। इन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा जिला के नूरकी और करमाई इन दो गांवों में छापामारी की। छापामारी के दौरान हम लोगों ने 5-6 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन उसमें से एक जो व्यक्ति है मोहम्मद कयूम अंसारी, इसके पास से हम लोगों ने एक हीरो होंडा स्प्लेंडर बरामद किया है। साथ ही हम लोगों ने दो बोलेरो गाड़ी इनके पास से बरामद की है। इसके अतिरिक्त एक गोरांग दास करके व्यक्ति के पास से हम लोगों ने 11 अलग अलग बाइक्स, एक ओमनी मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। इसके अलावे इन लोगों के पास से हम लोगों ने करीब 83 पीस व्हीकल का आरसी बुक का कॉपी बरामद किया है। इसके अलावे आरसी बुक बनाने के लिए जो फॉर्म नंबर 29 और 30 सेंट्रल व्हीकल एक्ट के तहत जो फॉर्म 30 और 29 होता है, उसकी करीब 100 से अधिक प्रतियां हम लोगों ने इनके घर से बरामद की है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग फर्जी तरीके से आरसी कार्ड बनाने का भी काम कर रहे थे। इस दौरान कुल हम लोगों ने 13 मोटरसाइकिल, 2 बोलेरो गाड़ी और 1 ओमनी मोटरसाइकिल ये बरामद की है। फिलहाल मोहम्मद कयूम अंसारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोरांग दास अभी मौका से फरार हो गया था। इसके अतिरिक्त इनके और कई हम लोगों को एसोसिएट्स का भी नाम पता चल गया है, तो उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी होगी। और जैसे जैसे गिरफ्तारियां होती जाएगी, वैसे वैसे और फर्दर गाड़ियों की रिकवरी भी होने की संभावना मुझे लग रही है। फिलहाल जो गाड़ियां हैं उसको हम लोग चैसिस नंबर से मैच कर रहे हैं। सीआईडी के पास डेटाबेस संधारित है, उस डेटाबेस से हम लोग चैसिस नंबर को क्रॉस चेक करके जो ओनर है उनसे संपर्क करके उनकी गाड़ियां कोर्ट के माध्यम से वापस दिलवाने का काम करेंगे।